Thank you. Honorable Member Sri Chandeshwar Prasad. Please, mic. Chandeshwar Prasad. Bolli. अध्यक्ष जी, मैं लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक का समर्थन अपने एवं अपने पार्टी की तरफ से करता हूं। पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों ने लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों को प्रभावित किया है। इसे रोकना जरूरी है। ऐसा नहीं करना लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण कई छात्रों को डिप्रेशन हो रहा था तो कुछ आत्महत्या तक करने की सोच लेते थे। मेधावी छात्र मेरिट होने के बावजूद अपना मुकाम नहीं पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक का सारा जोर व्यक्तियों संगठित माफिया व पेपर लीक एवं पेपर हल करने, प्रतिरूपण, कंप्यूटर संसाधनों के हैकिंग में लगे संस्थानों पर नकेल कसना है। सबसे अच्छी बात यह है, प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध माफिया और साठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। लोक परीक्षा अनुचित संसाधनों का निवारण विधेयक 2024 में पर्चा लीक करने, दूसरे की जगह परीक्षा देने, प्रश्न पत्र हल करने या इसमें मदद करने, परीक्षा केंद्र के बजाय अन्य जगह पर परीक्षा कराने, परीक्षा में गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं करने पर 3 से 5 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपए तक की जुर्माना तय किया गया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। कंप्यूटर आधारित केंद्रों पर परीक्षा का संचालन करने वालों को कदाचार साबित होने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जनमानस में भी सुधार करने के लिए प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। सरकार कानून बना रही है, लेकिन इसका निश्चित रूप से हम कहें कि प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा इसका, इसके लिए जनमानस में प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति इस बात को समझे कि अब बिना पढ़े पास करने से कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा शीर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार किए जाएंगे। इसके लिए उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है। यह कंप्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। इस केंद्रीय कानून के दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं व केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए नहीं होने वाली परीक्षाएँ भी आएगी। किसी धांधली के कारण अगर परीक्षा रद्द हुई तो इसका खर्चा दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं एवं संस्थाओं को भुगतना होगा। यह विधेयक हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है और इससे हमारे देश प्रदेश बिहार सहित सभी देशों के युवाओं को फायदा और न्याय दिलाएगा और हम एक बेहतर भारत की बुनियाद रख पाएंगे। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में जो भाई-भा का सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहिए, वह भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा रास्ता है। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको आभार व्यक्त करता हूं। जय बिहार, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री